जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो देखिए आज हम लोगों ने शिवपालवादी लोग यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे जैसे ज्ञानू यादव जी और श्री प्रकाश जी और हमारे महानगर अध्यक्ष इस्माइल खान जी के नेतृत्व में मैं हरीश मिश्रा युजन सभा का जिला अध्यक्ष आज हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय वाराणसी के यहाँ बाकायदे हनुमान जी के जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ आवेदन किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस फार्म में उनकी पूरी डिटेल है, उनके माता पिता का नाम है और जाति में उनको दलित यानी वनवासी। आपको मालूम होना चाहिए कि विगत कुछ दिन पहले एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को दलित जाति से ताल्लुकात करते हुए उनका परिचय दिया था। हम लोग काशीवासी लोग अब दलित जाति के प्रमाण पत्र हेतु हनुमान जी के लिए यहाँ आवेदन किए हैं। एक हफ्ते में अगर नहीं मिलता है तो हनुमान जी के स्वरूप में अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे हनुमान जी खुद अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ धरने पर बैठेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के तमाम मंत्रियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने राम को धोखा दिया राजनीति के अंदर, अब दूसरे चरण में आप हनुमान जी को राजनीति के अंदर घसीट रहे हैं। ये आपके राजनीतिक स्तर के लिए ठीक नहीं है, ये पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। हम संकट मोचन बाबा जो हमारे काशी बनारस के अंदर जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में संकट मोचन जी के नाम से हनुमान जी का मंदिर है, आज उन्हीं के ऊपर एक जाति का संकट आ गया है। हम लोग उनके भक्त हैं और सारी ताकत के साथ अपने हनुमान जी के जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आंदोलित है। एक आपको मैं बता दूं बनवासी, और जहां योगी जी जिस मठ के मठाधीश हैं वो मठ भी दलित समुदाय और संप्रदाय का है, निषाद जाति का है। हम जैसे ही ये जाति प्रमाण पत्र हमको जारी होता है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तुरंत निषाद जाति के एक दलित साथी को हम लोग लेके जाएंगे और गोरखपुर के उस मठ में निषाद जाति के एक आदमी को वहां महंत बनाएंगे और वहीं से दलित सम्मान की लड़ाई हम शिवपाल जी के विचारों और खेमे से शुरू करेंगे।